Hey guys, I'm Hina. First of all, I'm very sorry background noise के लिए क्योंकि बारिश हो रही है तो थोड़ा compromise कर लेना. यहाँ पे मेरे पास है M Caffeine के कुछ प्रोडक्ट्स. ये है M Caffeine का बॉडी वॉश विद बेरीज, ये है कॉफी बॉडी स्क्रब विद बेरीज एंड द लास्ट कॉफी बॉडी बटर विद बेरीज. सो मैंने M Caffeine के जितने भी वीडियोस बनाई हूँ आपने सभी ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, साथ ही साथ आपके बहुत सारे सवाल भी थे. ओके सो सबसे पहला जो कमेंट था मुझे यही मिला था कि सारे प्रोडक्ट का वीडियो चाहिए, लाइक बॉडी का पूरा किट, जैसे बॉडी वॉश हो गया, स्क्रब हो गया, बॉडी बटर हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोगों को पता नहीं होता है. बहुत सारे ऐसे लोग भी है जिनको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि पहले कौन सा यूज करना चाहिए, इसके बाद दूसरा कोई प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं कि नहीं, अगर बॉडी वॉश यूज करें तो सोप यूज कर सकते हैं कि नहीं. सो मैंने सोची क्यों ना आपको डायरेक्टली ही जवाब दे दूं. सो ये न्यू लॉन्च था तो मैंने सोची क्यों ना ये तीनों बाय करके आपको मैं बता दूं, इसकी डिटेल्स भी बता दूंगी और आपको स्टेप्स भी बता दूंगी. सेकंड जो क्वेश्चन है वो यही है कि बॉडी वॉश के बाद सोप यूज कर सकते हैं क्या. ओके गाइस, बॉडी वॉश या तो सोप, दोनों में से कोई एक ही चीज यूज करना है आपको. सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बॉडी वॉश आपको यूज करना है, सोप यूज नहीं करना. अगर आप सोप यूज करना चाहते हो बॉडी वॉश यूज मत करो. एंड द लास्ट वन, आई हैव बोथ बॉडी वॉश एंड स्क्रब, कैन आई यूज देम वन आफ्टर अनदर. ओके, जो स्क्रब है वो आप डेली भी कर सकते हो, बट आई प्रेफर कि आपको ट्वाइस ए वीक ही यूज करना चाहिए. ज्यादा स्क्रब भी हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए स्क्रब को आप सिर्फ ट्वाइस ए वीक यूज करो. बॉडी वॉश आपको डेली यूज करना है. आपको डेली यूज में सिर्फ दो प्रोडक्ट यूज करने हैं, बॉडी वॉश एंड बॉडी बटर. बॉडी वॉश को बाथ ग्लव के साथ भी यूज कर सकते हो या तो ऐसे भी यूज कर सकते हो. स्क्रब आपको ट्वाइस ए वीक यूज करना है, रोज यूज नहीं करना है. एंड ऑब्वियसली कोई भी बाथ लेने के बाद आप बॉडी अगर आपकी ड्राई लग रही है तो बॉडी बटर यूज कर सकते हो, या तो आप दिन में कभी भी यूज कर सकते हो जब भी आपको लगे कि ड्राई लग रही है स्किन. तो ये वाला जो बॉडी वॉश है ये स्मेल मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई. इसमें जो बेरीज की स्मेल है ना, इसकी वजह से आपको कॉफी की स्मेल ज्यादा नहीं आएगी. अब देखो बॉडी वॉश है, ज्यादा कोई स्पेशल तो है नहीं, बट ऑब्वियसली फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है बेरीज की. बहुत ही स्वीट फ्रेग्रेंस भी नहीं है, कॉफी एंड बेरीज का बहुत ही सटल फ्रेग्रेंस आएगी आपको, जिससे आपको काफी रिलैक्सिंग भी लगने वाला है. ये बॉटल 200 ml है एंड 249 रुपीज की है. सो आई थिंक अब मैं मेरा स्क्रब जो है वो चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे M Caffeine का पहले सिर्फ कॉफी वाला जो स्क्रब था वो पसंद था, जो पाउडर्ड कॉफी थी वो वाला. बट अब ये जो क्रीमी वाला बॉडी स्क्रब है वो ज्यादा अच्छा है. ज्यादा अच्छा इसलिए मैं बोल रही हूँ बिकॉज ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता है. स्क्रब करने के बाद जब वॉश करते हैं उसके बाद जरा भी ड्राइनेस नहीं लगती है, एंड आई रियली लाइक दैट पार्ट. हालांकि वो वाला जो कॉफी पाउडर था वो भी अच्छा था, बट ऑब्वियसली इसमें क्रीमी टेक्सचर है तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा मॉइस्चर प्रोवाइड करने में. एंड अगर स्मेल की बात करूं तो आई एम इन लव विद दिस. आई मीन इसकी स्मेल, बॉडी वॉश की स्मेल, दोनों की स्मेल थोड़ी थोड़ी अलग है बट बहुत ही ज्यादा अच्छी है. लाइक आपको कॉफी की स्मेल भी चाहिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफी की स्मेल नहीं चाहिए तो आपको ये वाला प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए. नॉट ओनली फ्रेग्रेंस बट इसका काम भी बहुत ही अच्छा है. हमेशा मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिए बोलती हूँ बहुत अच्छा है, बट मैं जेन्युइनली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ही शेयर करती हूँ. मुझे फर्स्ट यूज करने पे जो भी लगा मैंने आपको वो ही शेयर की हूँ. ओके सो ये 200 ग्राम है एंड इसकी एमआरपी है 449 रुपीज. अब बारी है ये बॉडी बटर की. बॉडी लोशन एंड बॉडी बटर में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो जाता है. बॉडी लोशन जो है बहुत लिक्विडी होता है और ये बहुत ही क्रीमी एंड थिक टेक्सचर होता है. सो इसका जो टेक्सचर है क्रीमी तो है, थिक भी है, बट इसको ब्लेंड करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है. प्रोडक्ट तो अच्छा है बट ब्लेंड होने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो आई डिडंट लाइक दैट पार्ट. मुझे ऐसे कोई प्रोडक्ट चाहिए जो इंस्टेंटली आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए. बट हालांकि ये बॉडी लोशन नहीं है, बॉडी बटर है, इसीलिए ये ब्लेंड होने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है. एंड ब्लेंड होने के बाद थोड़ा सा ऐसे व्हाइट हो जाता है ये प्रोडक्ट, पता नहीं क्यों, बट या दिस इज इट. व्हाइट हो जाता है, ब्लेंड होने में टाइम लगता है, बस यही बात है इसकी जो मुझे पसंद नहीं आई. बाकी ओवरऑल इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी है. एक बार ब्लेंड हो जाए तो बहुत ही अच्छे से मॉइस्चर प्रोवाइड करता है अपनी स्किन को, स्मूथ लगेगी स्किन एंड मॉइस्चराइज रहेगी थ्रू आउट द डे. तो या यही था आज का वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे. प्लीज कोई भी सवाल है तो कमेंट में मुझे पूछ लेना. ऐसे ही मैं और वीडियोस लाती रहूंगी. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.